तेरे हर गम को अपना बना लूं, तेरे हर दुख को सीने से लगा लूं, मुझे करनी नहीं आती चोरी वरना तेरी आंखों से हर एक आंसू चुरा लूं। ये शेर मुझे याद आया शिव ठाकरे के प्रेम को देख के, शिव ठाकरे और वीना जगताप को देख के। यूं तो हर बिग बॉस में कोई ना कोई लव स्टोरी हुआ करती है, लेकिन बिग बॉस मराठी सीजन 2 की ये लव स्टोरी, जिसको कि बहुत सारे लोग कहते थे कि ये फेक है, ये गेम के लिए कर रहे हैं, और बाहर जाके खासकर बीना के लिए कहा जाता था कि बीना जो है शिव को यूज़ कर रही है, इस्तेमाल कर रही है, और बाहर जाके ये भूल जाएंगे, लेकिन भैया नहीं भूले। ना तो वो अपने लव स्टोरी को भूले हैं, एक दूसरे को भूले हैं, बल्कि इस रिश्ते को एक किसी मुकाम पे लेके जाने के लिए लगे हुए हैं, और बिग बॉस को भी नहीं भूले, किशोर ईशाने को नहीं भूले, नेहा शितोले को नहीं भूले, हिना को नहीं भूले, वो बिग बॉस की महक को नहीं भूले, वो रूपाली भोसले किसी को भी नहीं भूले। एक वीडियो आई जिसमें कि शिव ठाकरे और बीना जगताप जो है, शिव ठाकरे बीना को अभी कहीं कहीं लेके जा रहे हैं, तो अभी किसी सैलून में लेके जा रहे थे जहाँ पे उन मतलब कान का छेद करवाना था शायद से बीना ने, तो उसके लिए लेके जा रहे थे, लेकिन वहाँ से वो ट्रीटमेंट लेते हुए भी बीना जगताप बातें कर रही है, वही किशोरी ताई की, बिग बॉस की, वो सब की, लेकिन पॉजिटिव वे से, ऐसा नहीं कि उसने ऐसा किया वो ऐसा किया, तो बहुत ही पॉजिटिव वे से अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ रहे हैं ये लोग। लेकिन मुझे ये लगता है कि जो चीज़ें देख के, कि एक साथ में पहले अमरावती गए, उसके बाद फिर गणपति बप्पा के दर्शन किए, लालबाग का राजा के दर्शन किए, और अभी शिव जो है ये चीज़ें कर रहे हैं, अभी साथ में लेके जा रहा है शिव यहाँ पे कान का छेद कराने के लिए, तो भैया कहीं ये प्री वेडिंग जो है अरेंजमेंट्स तो नहीं है, तैयारियां तो नहीं है शिव ठाकरे के लग्न की। तो बहुत अच्छी लगती है मुझे ये जोड़ी, ऑनेस्टली स्पीकिंग, के बड़े ही क्यूट से हैं लोग ये दोनों, और शिव ठाकरे तो बहुत ही क्यूट है, बहुत ही मतलब लगता है कि बहुत सीधा और डाउन टू अर्थ ज़मीन से जुड़ा हुआ इंसान है। तो ईश्वर करे कि ये दोनों सुखी रहें और इसी तरह से हंसते खेलते मुस्कुराते रहे, लेकिन ये ज़रूर है कि बिग बॉस को वो अभी तक नहीं भूले, अभी तक भी वही बिग बॉस के चर्चे करते रहे हैं, वो चर्चे कर रहे हैं तो हमको भी, बिग बॉस को हम भी नहीं अभी तक भूले हैं। तो जब तक बिग बॉस 13 शुरू नहीं हो जाता है, तो इसी तरह से आपसे मैं बातें करता रहूँगा। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा, वीडियो के नीचे कमेंट करके बताइएगा। कीप वॉचिंग हंगरी स्पिरिट चैनल, थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.